मंगलौर में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों को झटका दिया है। बारिश से गन्ने की बुआई देरी से होगी। किसानों ने पहले ही गन्ने के लिए खेतों की जुताई कर दी थी। खेतों में पानी भरा हुआ है, वहीं सब्जियों के खेत भी पानी से भर गए हैं। किसानों का कहना है कि ये पानी किसानों के हित में नहीं है। बता दें कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान अधिक मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने के प्रगतिशील किसान ने बताया कि गन्ने की बुआई के लिए किसानों ने खेत तैयार करना शुरू कर दिया है। खेतों की जुताई कर दी गई है। पानी सूखने का इंतजार था। इस साल पहले ही फसल समय से लेट हो गई थी, लेकर देर रात हुई बारिश ने गन्ने की बुआई 10 से 15 दिन पछेल कर दी है, जिससे सभी किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नुकसान है भाई, बेतु क्या नुकसान है, बेतु की बारिश से ठंड पैदा कर दी, गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो गेहूँ रह रहे, और भाई गन्ने की फसल को बहुत नुकसान है। गन्ने की बुआई रुक गई, पछेत होएगी, और भाई गन्ना जो कटने वगैरह आ रहा है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और भाई नुकसान ही काश्तकार को, तो इसका तो वो सब ऐसा तो है नहीं कि भाई नुकसान नहीं है, भाई जो भी गलत है जो अच्छा नहीं है। भाई आजकल खरसा में तो गर्मी चाह रही, सर्दी थोड़ी चाह रही, तो सर्दी तो अच्छी चीज़ नहीं है। खरसा में तो मान लो सब मौसम चाह रहा है, बाल तो गन्ने खुदाई का भी उसमें भी कुबाड़ झील पैदा हो जाएगा, और भाई कुबाड़ हो जाएगा उसमें भी, और काश्तकार को नुकसान होगा, मजदूर लगा होगा वो मिलता नहीं, तो बड़ी बड़ी परेशानी हो काश्तकार को। या कम से कम 20 दिन पीछे जा ली बुआई, और भाई कटाई या जो कठरा जो गन्ना यो भी 10 दिन पीछे जा लिया, क्योंकि बारिश के हिसाब से सब साधन बंद हो गए।